हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिससे कई सारे फायदे मिलते हैं। यह त्वचा को निखारने और बालों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलोवेरा जूस सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन इसके ज्यादा सेवन से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए आज हम जानेंगे इससे होने वाले नुकसानों के बारे में। आपने देखा होगा कि एलोवेरा को तोड़ते वक्त उसमें से पीला पदार्थ निकलता है। इस पीले पदार्थ को एलोलेटेक्स कहते हैं। यही पीला पदार्थ कई सारी बीमारियों का कारण बनता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी। एलोवेरा जूस का अधिक या गलत तरीके से सेवन किया जाए तो शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और आप कमजोरी महसूस करने लगते हैं। एलोवेरा में लैक्सेटिव और एंथ्रोक्विनोन तत्व होते हैं, जो पेट में कई तरह की परेशानियां पैदा करते हैं। एलोवेरा जूस का अधिक सेवन करने से दस्त की समस्या हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, उन्हें एलोवेरा का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को कभी भी एलोवेरा जूस का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करवाती हैं, उनके लिए भी यह जूस खतरनाक साबित हो सकता है। कई लोग किसी लंबी बीमारी के वजह से दवाओं का सेवन करते हैं, ऐसे में उन्हें एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे शरीर पर दवा असर नहीं करेगी और नुकसान होगा। ये तो एलोवेरा के नुकसान है, लेकिन इससे आप घबराएं नहीं। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इन नुकसानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एलोवेरा का इस्तेमाल करने के लिए आप जब भी एलोवेरा की पत्ती को तोड़ें तो उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। कुछ देर के बाद इसका पीला पदार्थ पूरी तरह से निकल जाएगा और फिर इसे अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।